बनाएंगे, यानी कि कुल मिला के आप दोनों 18 18 लोगों के लिए खाना बनाएंगे। आप आज बनाएंगे 3 कोर्स प्री प्लेटेड मील, यानी के स्टार्टर, मेन कोर्स और डिजर्ट। यानी 3 कोर्सेज हैं तो आप बनाएंगे टोटल 54 प्लेट्स ईच। इस चुनौती के लिए मिलेंगे आपको 4 घंटे, जिसमें आप सारा खाना पकाएंगे और 4 घंटे के बाद आपकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। याद रखिए, हमारे गेस्ट आपके हाथ का खाना खाएंगे, उस पर अपनी राय देंगे, लेकिन खाने को जज आज भी हम 3 करेंगे। आपको अपने प्लेटेड मील के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो आपके काउंटर पे पड़े हों, पर आपके 4 घंटे शुरू होते हैं अब। साथ में मैं दूंगी एक कप ऑफ पेस्ट्री बॉलोबो, और उसमें मैं जो चिकन चाप, एक बहुत ट्रेडिशनल बंगाली ग्रेवी है, वो डालूंगी। डिजर्ट के लिए मैं जा रही हूँ नॉर्थ, हिमाचल मुझे बहुत पसंद है, तो वहाँ का एप्पल पाई है जो कि इंडियन है, तो वो बना रही हूँ। मेन कोर्स में मैं साउथ इंडिया में जा रही हूँ, वहाँ पे मैं एक रसम दे रही हूँ, उसके संग एक कोकोनट रिसोटो, एक कॉन्फिट फिश। अविनाश, यस सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज ये लास्ट डिश है इस ग्रैंड किचन में, और मैं चाहता हूँ कि मेरा अब तक का सबसे बेस्ट डिशेस प्रेजेंट करूँ। क्या क्या बना रहे हैं आप? एक प्रॉन बना रहा हूँ जो मैं डिफरेंट टेक्सचर में प्रेजेंट करूंगा, एंड सो सेकंड कोर्स है वो है एक लॉस्ट रेसिपी, हमारे ओडिशा के औदा मटन बोलते हैं, आज मैं उसको थोड़ा मॉडर्न ट्विस्ट दे रहा हूँ। और जो थर्ड है, मैं छेनापोड़ा बना रहा हूँ, एक राइस खीर बना रहा हूँ जिसको मैं एक कैरमलाइज चॉकलेट के साथ एक मूस फॉर्म में दूंगा। मीठा होता है आपका आखिरी कोर्स? यस सर। आपको पता है ओंडिला स्ट्रांग है मिठाई में, अगर आपको नंबर स्कोर करने तो आपको सब कोर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। यस सर। जब सर विनीत मुझे अलर्ट किए तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर मुझ में आया, क्योंकि मैं सेवरी में भले स्ट्रांग हूँ, बट अगर डेजर्ट में वो एक्स्ट्रा पॉइंट ले लेते हैं तो शायद आज वो विनर बन जाएंगे। अविनाश बहुत अच्छा खाना बनाता है, तो बहुत ज्यादा नर्वस भी हूँ, मुझे आज मेरा ए गेम लाना होगा अगर मुझे जीतना है तो। आज ओंडिला और मेरा जो बैटल होने वाला है वो खतरनाक टक्कर का होने वाला है। ओंडिला, अविनाश भाई, मास्टर शेफ के ग्रैंड फिनाले में आपकी ताजपोशी के लिए हमने नागिन सी लहराती बलखाती एक अदाकारा एक गेस्ट बुलाई है। इट्स टाइम टू वेलकम सुरभि ज्योति। हेलो। हेलो। तो एक तरफ ये अविनाश खाना बना रहे हैं, दूसरा ओंडिला खाना बना रही है, आपको मिल जाता हूँ। हाय अविनाश। हेलो। इतना पसीना आपके चेहरे में, हाय पसीने में भी आप बहुत क्यूट लग रहे हैं। लेकिन अविनाश, अगर आप ऐसे शर्माते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अविनाश, लड़कियों को ऐसे लड़के ही चाहिए जिन्हें खाना बनाना आता हो। ट्रस्ट मी। ओके अविनाश, सुपर है अरे, खाओगे भाई? बहुत टेस्टी है, अरे खा ले। अरे यार, अरे क्यों? अविनाश। यस सर। डिश लेके आए प्लीज। यस सर, प्लीज। थैंक यू अविनाश। सॉस पोर करता हूँ प्लीज। अविनाश। यस सर। आपसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, क्या बनाया आपने आज? मैंने ओडिशा से इंस्पायर्ड होके एक लॉस्ट रेसिपी है जिसमें मिल्क के अलग अलग फॉर्म, मलाई या फिर रबड़ी, मावा, तो उससे इंस्पायर्ड होके मैंने एक डेजर्ट बनाया है। अविनाश, लास्ट टाइम डिश का नाम? शुद्धता। शुद्धता। थैंक यू सर, एंजॉय। दूध को दिखने में इतने टेक्सचर, इतने कलर्स देना और इतने तरीके से रिप्रेजेंट करना अपने आप में बहुत कारीगरी वाली बात है, और सिंपल चीज को एलिवेट करना हिंदुस्तानी खाने में हो सकता है। मैं होप कर रही हूँ कि किसी तरह से उनको मेरा डिश इतना ज्यादा अच्छा लगे कि मेरा जो डिफरेंस है पॉइंट्स में वो कवर अप हो जाए, एंड मास्टर शेफ गोल्डन कोट मेरे पास आ जाए। यस सर। आखिरी बार पूछेंगे, क्या बनाया आपने आज? मैंने आप लोगों के लिए एक देसी एप्पल पाई सॉर्ट बनाया है, उसके साथ एक एप्पल मिंट ग्रनीटा है, एंड होपफुली आपको पसंद आई। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। इस लड़की की सोच ना मुझे हर बार
वेल डन, वेल डन। आप दोनों के लिए अमूल की तरफ से एक अप्रिसिएशन लेके आ रहे हैं, श्री के एम झाला, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अमूल। नमस्कार, कंज्यूमर्स के कॉन्फिडेंस और प्यार से बना ब्रांड अमूल, उनकी ओर से मैं आपको बधाई देता हूं। अमूल के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे अमूल मिलाकर इतने मज़ेदार जो हमें डिशेस दी हैं, उनके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा रखता हूं आगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आज मास्टर शेफ का आखिरी चुनौती का दिन था और आप लोगों ने इनकी परीक्षा में इनका साथ दिया। प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया को किचन प्रोटेक्शन पार्टनर बिग ऑन में। अब बारी है रिजल्ट की और आज जो भी मास्टर शेफ बनेगा उसे मिलेगा ये। फर्स्ट कोर्स और सेकंड कोर्स के बाद अविनाश आप हैं 50 पे और अंजला आप हैं 48 पे। और अब डिजर्ट कोर्स, थर्ड कोर्स, किस कोर्स? अंजला, एक एप्पल पाई जैसा कंफर्ट डिजर्ट लेना और उसको 18 पोर्शंस के लिए एक हिंदुस्तानी ट्विस्ट देना, बड़ी अच्छी सोच। थैंक यू सर। छेना पड़ा हमारा हिंदुस्तान का एक चीज केक है जो पूर्वजों के समय से बनता आ रहा है, जो उसका बाहर का क्रस्ट है ना, वो मुझे बार बार खींच के भुवनेश्वर या पुरी लेके जाता है। मेरे दिमाग में था एक किसी की फैमिली के पास पर जाता था, वहां पे उनके घर में सबसे बेस्ट मैंने खा छेना पड़ा। आज मुझे आपने वो भुला दिया। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशन टू द बोथ ऑफ यू, यू मेड अस प्राउड। थैंक यू। अब करते हैं स्कोरिंग। अंजला, आपके डिजर्ट को देखते हैं शेफ विकास ने कितने नंबर दिए। 9.9। थैंक यू शेफ। मैंने इतने ज्यादा नंबर कभी मीठे को नहीं दिए। थैंक यू शेफ। अंजला, आपके डिजर्ट को मैंने दिए हैं 9.5। थैंक यू शेफ। अंजला, मैंने आपको दिए हैं 9। थैंक यू शेफ। यानी कि आपका डिजर्ट का टोटल हो गया है 28 और आपका टोटल हो गया है 76। विनाश, डिजर्ट क्वीन को बीट करना है। मुझे लगा था कि मैं मीठे को 9.5 से आराम दे सकता, बट आपने मुझे गलत प्रूफ किया। 10% ब्रिलियंट। अविनाश, विकास ने आपको 10 दे दिए हैं, मतलब कॉम्पिटिशन जीतने के लिए चाहिए 16 से ऊपर। और इस बार 3 की गिनती पे हम अपने कार्ड एक साथ दिखा दें। 1, 2, 3। अविनाश, आपको मिले हैं 18.5। आप जीते मास्टर शेफ का खिताब। कंग्रेचुलेशन, आपका टोटल हुआ 78.5। आप हैं इंडिया के छठे मास्टर शेफ और आपको मिलता है वो मास्टर शेफ को। कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डिजर्व। और पहले तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके अंजला। यस सर। जो लड़की दूसरे मौके से इस किचन में आई थी वो आज कहीं से भी दूसरी नहीं, और उसने दिखा दिया कि सिर्फ मीठा ही नहीं नमकीन में भी छक्का मार सकती है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। ग्रेट जॉब, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अविनाश नायक, आप हैं मास्टर शेफ इंडिया सीजन 6 के विनर। अविनाश, आपको मिलता है मास्टर शेफ कोर्स, मास्टर शेफ की ट्रॉफी और 25 लाख रुपए का इनाम। वी लाइक टू इनवाइट मिस्टर मौलिक देसाई, बिजनेस एट स्लीक किचन, वो आपको देने वाले हैं। अविनाश, अब आपको मिलता है बेगोन की तरफ से 1 साल का सप्लाई
अविनाश आपको मिलता है सम्राट आटा की तरफ से 2 लाख रुपए का चेक और ओनविला आपको मिलता है 1 लाख रुपए का चेक। अब जल्द ही मुलाकात होगी अगले मास्टर शेफ की तलाश में। तो मिलते हैं समय की धार के उस पार जब अपने मिलने का मौसम आएगा फिर एक बार। गुड नाइट।